बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट इंटरेक्शन स्टाइल्स। जब एक यूज़र कंप्यूटर को यूज़ करता है, मेन सिस्टम के साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है, तो उसके बहुत से मेथड्स होते हैं। इस इंटरेक्शन को डायलॉग भी कहते हैं। व्हेन यूज़र यूज़ द सिस्टम, मेन वो सिस्टम के साथ बात कर रहा होता है, सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो इस कम्युनिकेशन के डिफरेंट स्टाइल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेसिस, दीज इंटरफेसिस यूज टेक्स्ट टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। इंटरफेसिस में क्या होता है कि आप कोई कमांड टाइप करते हैं और वो कमांड्स जो होती हैं वो टेक्सचुअल फॉर्म में होती हैं। दिस काइंड ऑफ इंटरफेस स्टिल प्रेजेंट टूडे, लेकिन स्टार्ट में जब कंप्यूटर आए थे तब इस तरह के इंटरफेस यूज होते थे। नाउ दिस काइंड ऑफ इंटरफेसिस आर सूटेबल फॉर रिपीटेटिव टास्क, मीन जो आप टास्क बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं। दीज आर बेटर फॉर एक्सपर्ट यूजर्स, मीन जो यूजर्स अभी बिगनर हैं उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें कमांड्स जो हैं वो याद करनी पड़ती हैं और सिंटैक्स का ख्याल रखना पड़ता है कि सेंसिटिव होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बिगनर्स के लिए डिफ़िकल्टी का बायस बनती हैं। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल कोड करूँ तो एमएस डॉस, सब लोग उससे फेमिलियर होंगे, एक दो टास्क तो सब ने परफॉर्म किए ही होंगे। आपको याद होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने बूटेबल फ्लैश बनाई थी थ्रू कमांड लाइन इंटरफेस, तो ये उसी की बात हो रही है। एक दूसरी एग्जांपल है इसकी, टेलनेट। अगर आप रिमोटली कोई कंप्यूटर एक्सेस करना चाहें और उस पर काम करना चाहें तो यू कैन यूज टेलनेट। दिस इज आल्सो कमांड लाइन इंटरफेस और अभी भी ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा जो हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस है, दैट इज यूनेक्स, अ वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था और इस पे भी आपने कुछ टास्क परफॉर्म किए थे। सो कमांड लाइन बेस्ड इंटरफेसेस में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है और प्रिसीजन भी बहुत होता है, बट दिस टेक सम टाइम टू लर्न। और इसमें मसला ये होता है कि जो कमांड्स आप टाइप करते हैं दे आर नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल, मीन कि वो कमांड्स एक कॉमन पर्सन को इजीली समझ नहीं आती। सो वन सजेशन इज दैट दीज कमांड्स आर मेक मोर अंडरस्टैंडेबल, कि कमांड्स आप ऐसे इंटरफेस में बनाएं, ऐसे बनाएं जो इजीली समझ आ जाएं। फिर बात करते हैं मेन्यू बेस्ड सिस्टम्स या इंटरफेसेस। इसमें ऑप्शंस आपको विजिबल होते हैं, विजिबल होने की वजह से लेस रिकॉल होता है, इसमें इजियर टू यूज एंड यू कैन रिलाई ऑन रिकॉग्निशन। और इंटरफेस पे आप देखेंगे कि जो भी आइकन्स होते हैं उनके नेम्स बहुत मीनिंगफुल होते हैं, जैसे कि दिस पीसी हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, तो बहुत मीनिंगफुल नेम हर आइकन का होता है। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है कि वहां पे आपको रिकॉल करना होता है, कमांड्स को याद करना पड़ता है। बट मेन्यू बेस्ड में क्या होता है कि ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, विजिबल होते हैं, यू जस्ट रिकॉग्नाइज कौन सा मेन्यू आपके मतलब का है, सो यू कैन सिलेक्ट इट। सो सच सिस्टम्स आर मच यूजेबल देन कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें सिलेक्शन नॉर्मली नंबर्स के थ्रू होता है, आप लेटर्स के जरिए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज एरोज, कीज एंड माउस, एज वेल एज ऑफन यू कैन यूज कॉम्बिनेशन माउस प्लस एक्सेलेटर्स। ठीक है, कि आप इन सब का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं जब आपने सिलेक्शन करना होता है। अब होता क्या है कि इसमें जो ऑप्शंस होते हैं दे आर नॉर्मली ग्रुप्ड हायरार्किकली या लॉजिकली, ये ऑप्शंस जो हैं आप ग्रुप किए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप करने की वजह यह होती है कि इसकी वजह से यूजर जो है वो सिस्टम को इजीली यूज कर सकता है। अच्छा, तो ये जो स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन है ये वेम सिस्टम्स में भी बहुत पाया जाता है। नाउ अनदर टाइप इज नेचुरल लैंग्वेज। इन इंटरफेसेस में क्या होता है कि आप नेचुरली डायलॉग करते हैं, नेचुरली बातचीत करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसकी एग्जांपल कोड करूँ तो स्पीच बेस्ड रिकॉग्निशन सिस्टम्स जो हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल हैं। सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन स्टाइल इज फेमिलियर टू द यूजर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होते हैं, आप जो अल्फाज कहते हैं उनमें एम्बिग्विटी होती है। नॉर्मली आप जब भी बात कर रहे होते हैं तो उसमें एम्बिग्विटी आती है, लेकिन उसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, प्रेड मेनू से आप दूर कर सकते हैं। एज अ ह्यूमन आपके अंदर ये एबिलिटी है, लेकिन मशीन के अंदर ऐसी ह्यूमन एबिलिटी नहीं है। तो इस चीज का हल क्या है,
इसका एक हल तो ये है कि यू यूज द रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ वोकैबुलरी, लेकिन ऐसा करने से आप एक सिस्टम की फंक्शनैलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो फिर वो सिस्टम जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता, क्योंकि उसमें वोकैबुलरी जो है वो आपने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिटेड कर दी है। नाउ अनदर फॉर्म ऑफ इंटरफेसिस आर क्यूरी इंटरफेसिस। दिस काइंड ऑफ इंटरफेसिस बेस्ड अपॉन क्वेश्चन आंसर डायलॉग्स। अब इसमें होता यह है कि आप एक ऐसा इंटरफेस देते हैं जिसमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं, मीन सिस्टम क्वेश्चन करता है और यूजर उन क्वेश्चंस के आंसर करता है, मीन कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं और यूजर उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है। सो दिस इज क्वेश्चन आंसर स्टाइल, इसे हम क्यूरी इंटरफेस कहते हैं। सिंपल एग्जांपल जो है इसकी विजर्ड। बहुत से सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे आपके पास एक फॉर्म ओपन होता है जहां पे आपने कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करके यस यस यस, नो यस यस और लास्ट पे आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये उसी चीज की बात हो रही है। यू हैव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। अनदर एग्जांपल ऑफ क्यूरी इंटरफेसेस आर क्यूरी लैंग्वेज। तो जब आप एक डेटाबेस यूज करते हैं और उसमें आप क्यूरीज करते हैं, मीन डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ कमांड्स देते हैं, तो अगेन यू आर एक्चुअली यूजिंग द क्यूरी इंटरफेस। एग्जांपल अगर यहां मैं कोड करूं तो आप सबके जहन में ऑलरेडी होगी SQL, ठीक है। SQL इज अ क्यूरी लैंग्वेज यूज टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। जैसा कि स्लैक की क्यूरी हम यूज करते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए, किसी भी टेबल से हमने डाटा को रिट्रीव करना हो तो हम स्लैक की क्यूरी यूज करते हैं। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती हैं, रिक्वायर्ड फर्स्टली अंडरस्टैंडिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर्स एंड द लैंग्वेज सिंटैक्स। नाउ वी मूव अनदर स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन एंड दीज आर फॉर्म फील्ड्स। अब फॉर्म फील्ड्स क्या हैं? इन एवरीडे लाइफ आप फॉर्म्स को फिल करते हैं, लाइक आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, आपने ID कार्ड बनवाना होगा। दिस इज वेरी नेचुरल स्टाइल ऑफ इंटरेक्शन और ये काफी इजी वे ऑफ इंटरेक्शन है। फॉर्म फील इंटरफेसिस का मकसद क्या होता है, ठीक है? ये यूज होते हैं फॉर डाटा एंट्री और डाटा रिट्रीवल। तो इसमें आप डाटा को रेलिवेंट प्लेस में डालते हैं। एग्जांपल आप ये देखें, यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, इसमें आपसे एक जर्नी के लिए डिटेल ली जा रही है। अच्छा, इन इंटरफेसिस के लिए एक पॉइंटेबल बात है, इनके लिए इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, और दूसरी जो बात है कि यहाँ पे वैलिडेशन मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो यूजर इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है वो करेक्ट इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हो, कोई डमी इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऐड ना कर रहा हो, ठीक है। अनदर इंटरफेस फॉर्म इज स्प्रेडशीट, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ फॉर्म फील्ड इंटरफेस, जिसमें आप न्यूमेरिक डाटा को इंटर करते हैं। नाउ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशन इन द बिगनिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग वॉज एक्चुअली स्प्रेडशीट, जिसका नाम VisiCalc था, एंड दिस इज फॉलोड बाई Lotus 1-2-3 एप्लीकेशन। और आजकल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कॉमन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। MS Excel कंसिस्ट ऑफ ग्रिड ऑफ सेल्स, कंटेन्स द वैल्यूज आर फार्मूलाज एंड डिफरेंट सेल्स कैन बी लिंक्ड टू। ओके, अब विम्प इंटरफेस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अभी पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, विंडोज, आइकन्स, मेन्यूज एंड पॉइंटर्स। आजकल सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन स्टाइल यूज हो रहा है दैट इज विम्प इंटरफेस, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल बटन्स, टूल बार्स, डायलॉग बॉक्सेस, और इसके अलावा बहुत से कंट्रोल्स और बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं जो इस किस्म के कंट्रोल्स में इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें विजेट्स कहते हैं। अब सबसे पहले विंडोज को देखते हैं। जब कंप्यूटर्स कमांड लाइन से GUI इंटरफेस पे मूव हुए, जहां पे एक टास्क नहीं बल्कि बहुत से टास्क वो एट अ टाइम परफॉर्म कर सकते थे, दैट इज मल्टीटास्किंग। लेकिन यहाँ पे मसला क्या था, हाउ टू सेग्रीगेट दीज डिफरेंट मोड ऑफ इंटरेक्शन, दीज डिफरेंट टास्क। अब यूजर वो बहुत से टास्क परफॉर्म कर रहा है, जिसको सेग्रीगेट करने के लिए क्या किया गया है? सो वन मेथड वाज विंडो। विंडो इज द एरिया ऑफ द स्क्रीन
that behave as if they were independent. So different windows can be independent from one another. Windows में क्या हो सकता है? They can text or graphics. Windows को आप move भी कर सकते हैं, resize भी कर सकते हैं. And because you have multiple windows, they can overlap each other. वो एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती हैं. And they can be laid out next to one another. Mean वो tiled भी हो सकती हैं. Mean windows एक दूसरे के ऊपर भी हो सकती हैं और एक दूसरे के साथ साथ भी हो सकती हैं, जिसको हम कहते हैं a tiled appearance. अब विंडोज में डिफरेंट कंट्रोल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल विंडोज में स्क्रोल बार्स होते हैं विच अलाउज द यूजर टू मूव द कंटेंट्स ऑफ द विंडो अप एंड डाउन और साइड टू साइड. जैसे वॉल्यूम लो एंड हाई करते हैं आप अपने सिस्टम में, ठीक है. उससे हटके अगर आप देखें तो एमएस वर्ड में जब आप पेज को अप डाउन कर रहे होते हैं, पीडीएफ की फाइल में आप पेज को अप डाउन कर रहे होते हैं, नेक्स्ट पेज पे जा रहे होते हैं, तो दैट इज स्क्रोलिंग. तो उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास, दैट इज टाइटल बार, जो आपको ये बताते हैं व्हाट दिस विंडो इज अबाउट, उसका टाइटल क्या है, ठीक है. जैसे आपकी फाइल के ऊपर आपका टाइटल लिखा हुआ आता है, दैट इज टाइटल बार, कि ये फाइल क्या है, इसका नाम क्या है, ठीक है. अब इस इंटरफेस के सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं, आइकन्स. आइकन्स क्या होते हैं? स्मॉल पिक्चर्स आर इमेज रिप्रेजेंट सम ऑब्जेक्ट इन द इंटरफेस ऑफन अ विंडो आर एक्शन. जब आप किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो कोई न्यू विंडो ओपन हो जाती है, कोई एक्शन हो जाता है. और विंडोज कैन बी क्लोज्ड डाउन. और अगर आप क्रॉस के बटन पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपकी विंडो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है. आपकी जो भी फाइल ओपन होती है वो क्या होती है, क्लोज हो जाती है. आइकन्स डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं. उनका कुछ आइकन्स का साइज बहुत बड़ा होता है और कुछ आइकन्स की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो स्मॉल साइज में होती है. कुछ आइकन्स जो होते हैं वो बहुत स्टाइलिश होते हैं और कुछ आइकन्स इस तरह के होते हैं कि उन्हें सिर्फ फर्स्ट लेटर के साथ अब्रीवेट किया जाता है. अब थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं, दे आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट. यूज माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, कर्सर की और कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है. एंड वाइड वरायटी ऑफ ग्राफिकल इमेज. पेजेस ऐसे हैं जिनमें आप देखेंगे कि पूरा पूरा टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा होता है, पॉइंटर के तौर पे यूज हो रहा होता है, इमेज यूज हो रही होती है. सो देर आर मेनी पॉइंटर्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें डिफरेंट तरह के आपके पास पॉइंटर्स होते हैं. ये जो कर्सर ये देखें इस टाइम मूव हो रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉइंटर. अब देखते हैं मेन्यूज क्या होते हैं. मेन्यूज आपको पता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइल एडिट ऑप्शन, फॉन्ट. किसी भी फाइल में आप लोग को ये ऑप्शंस नजर आ रहे होते हैं. किसी भी प्रोग्राम में आप देखेंगे कि ये जो पट्टी है ये आप लोग लाजमी आप लोग को नजर आएगी, दैट्स मेन्यू बार. चॉइस ऑफ ऑपरेशंस और सर्विसेज ऑफर्ड ऑन द स्क्रीन रिक्वायर्ड ऑप्शन सिलेक्टेड विद पॉइंटर, कि आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं विद पॉइंटर. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि टेक अ लॉट ऑफ स्क्रीन स्पेस. मेन्यूज बहुत सी स्क्रीन स्पेस ले लेते हैं. तो इसका सलूशन क्या है? पॉप अप, कि मेन्यू अपीयर्स व्हेन नीडेड. जब आपको जरूरत हो तभी आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपको मेन्यू शो हो रहा है, कि जब आपको जरूरत है आपको तभी मेन्यू शो हो, वरना जैसे आप कर्सर हटाएं तो मेन्यू क्या हो, डिसअपीयर हो जाए. बात करते हैं काइंड ऑफ मेन्यूज. मेन्यू बार कौन कौन से होते हैं? मेन्यू बार एट टॉप ऑफ द स्क्रीन नॉर्मली मेन्यू ड्रैग्स डाउन. इसमें हमारे पास पुल डाउन मेन्यू आता है, माउस होल्ड एंड ड्रैग डाउन मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है कि आप माउस से क्लिक करते हैं तो पूरा मेन्यू ओपन हो जाता है. देन फॉल डाउन मेन्यू आ जाता है कि माउस जो है वो जस्ट बार पे मूव करता है तो पूरा मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाता है. नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म आती है, दैट इज कॉन्टेक्स्टुअल मेन्यू. कॉन्टेक्स्टुअल मेन्यू अपीयर्स वेयर यू आर. इसमें हमारे पास पॉप अप मेन्यूज, एक्शंस फॉर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आते हैं, पाई मेन्यूज आते हैं, अरेंज्ड इन सर्कल, इजियर टू सिलेक्ट आइटम, क्विकर होते हैं, ठीक है.
सेम डिस्टेंस एनी ऑप्शंस, ठीक है, सब ऑप्शंस में क्या होता है सेम डिस्टेंस बट नॉट वाइडली यूज्ड। सो पाई मेन्यूज जो हैं ये ज्यादा यूज नहीं होते बट दे आर क्विकर। अब बात करते हैं कि कैस्केडिंग मेन्यूज क्या होते हैं। हायरार्किकल मेन्यू स्ट्रक्चर होता है इनका। मेन्यू सिलेक्शन ओपन न्यू मेन्यू। हायरार्किकल स्ट्रक्चर है तो आप इसमें इनफाइनाइट मेन्यूज एडजस्ट कर सकते हैं, मेन्यू विद इन मेन्यू विद इन मेन्यू विद इन मेन्यू। ओके, उसके बाद कीबोर्ड एक्सेलेरेटर क्या होता है, की कॉम्बिनेशंस। इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक्टिव व्हेन मेन्यू ओपन यूजली फर्स्ट लेटर। यहां पे देखें तो एफ के नीचे एक आपको लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एफ का बटन प्रेस करेंगे, ये फर्स्ट लेटर जो है ये प्रेस करेंगे तो आप ये मेन्यू दोबारा से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा ये होता है तो क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ आप वही कैरेक्टर दबाएंगे, जैसे कंट्रोल के साथ आप एफ दबाएंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। अब मेन्यू डिजाइन में इश्यूज क्या हैं, विच काइंड टू यूज, व्हाट टू इंक्लूड इन मेन्यू एट ऑल, वर्ड्स टू यूज, एक्शंस और डिस्क्रिप्शन, हाउ टू ग्रुप आइटम्स, चॉइस ऑफ कीबोर्ड एक्सेलरेशन। सो ये सब क्या है, इश्यूज हैं। आप क्या चीजें यूज करना चाह रहे हैं, क्या चीजें मेन्यू में डालना चाह रहे हैं, कुछ डालना भी चाह रहे हैं, नहीं डालना चाह रहे, एडिट उसको ग्रुप कैसे करना है, एडिट में क्या चीजें डालनी है, आपने फाइल में क्या चीजें डालनी है, उन्हें कैसे ग्रुप करना है। फिर चॉइस ऑफ कीबोर्ड एक्सेलरेटर भी है कि फाइल में भी एफ है और फॉर्म भी है, तो अब आप क्लोज कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ जो है वो आप फाइल के लिए यूज करेंगे या फॉर्म के लिए यूज करेंगे। तो फॉर्म के लिए आपने कोई और जो है की यूज करनी है, क्या चीज आपने यूज करनी है, ये सारी चीजें फिर यहां पे देखी जाती हैं। अब बटन्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल एंड आइसोलेटेड रीजन्स विद इन अ डिस्प्ले दैट कैन बी सिलेक्टेड टू इनवोक एंड एक्शन। एक फॉर्म पे आप देखेंगे कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स होते हैं, जैसे कि आपके पास जेंडर का ऑप्शन है, वहां पे मेल एंड फीमेल के साथ आपके पास रेडियो बटन्स होते हैं, एक बटन जो है आपने सिलेक्ट करना होता है, रेडियो बटन्स मीन वो सर्कल टाइप जो बटन्स होते हैं, ठीक है। देन इंटरेस्ट आपके पास आता है कि आप वेब डेवलपमेंट में आपका इंटरेस्ट है, या फिर क्या नाम है डिजाइनिंग में आपका इंटरेस्ट है, किस चीज में आपका इंटरेस्ट है, तो वहां से आपने टिक करना होता है एक इंटरेस्ट अपना, दो भी हो सकते हैं, वहां से आप दो इंटरेस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, फॉर्म को सबमिट करना होता है, वो आपके पास एक 3D बटन होता है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स होते हैं आपके पास एक फॉर्म पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियो बटन में क्या होता है कि आपने एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, तो वो क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, कि वहां पे लाजमी आपने सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, दो ऑप्शंस तो आप सिलेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो दूसरा जो होता है, चेक बॉक्सेस जो होते हैं वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वहां आप एक से ज्यादा भी इंटरेस्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं टूल बार्स की। टूल बार्स क्या होते हैं, लॉन्ग लाइंस ऑफ आइकन्स। टूल बार्स को आप अपने विंडो के टॉप पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, बॉटम पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपने जो आइकन्स जो मोस्ट रिसेंटली, उसमें क्या होता है जो आइकन्स आपने बार बार यूज करने होते हैं उन्हें आप एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे आपने मोस्टली वेब ब्राउजर को पिन किया होता है, उसके बाद फिर आप एमएस वर्ड को पिन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशंस जो आपने बार बार यूज करनी होती हैं उन्हें आप क्या कर लेते हैं कि टूल बार में कस्टमाइज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपनी मर्जी से, जो जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं वहां एडजस्ट कर लेते हैं, जो नहीं करने होते उन्हें क्या कर देते हैं वहां से डिस्कार्ड कर देते हैं। मोबाइल में भी हम मोस्टली इसी तरह कर रहे होते हैं, जो ऑप्शन हमने ज्यादा यूज करने होते हैं उन्हें एक सामने वाले फोल्डर में या सामने वाली स्क्रीन में एडजस्ट कर लेते हैं, ये होता है ना टूल बार, ठीक है। That's the end of your lecture. Stay blessed. Allah Hafiz.